हेलो फ्रेंड्स, ममता किचन रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बनाने जा रही हूँ गुड़ के चावल की रेसिपी। इस तरह से बनाए गए ये चावल बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। दोस्तों, सर्दियों में तो ये गुड़ के चावल बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो चलिए इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। गुड़ के चावल बनाने के लिए मैंने यहाँ ये बासमती चावल लिए हैं, जिसे मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो करके छोड़ दिया था। आप चाहें तो चावल को बिना पानी में भिगोए भी काम में ले सकते हैं। जितने चावल लिए हैं उतना ही हमें गुड़ लेना है। आप चाहें तो गुड़ को पानी में भिगो करके छान के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके डायरेक्ट ही डाल दूँगी। साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिस गुड़ के चावल बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और ये 3 से 4 चम्मच देसी घी लिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा गुड़ के चावल में। 3 से 4 लौंग ली है, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है और छोटी इलायची ली है, हरी इलायची ली है। साथ ही मैंने यहाँ पर सूखे नारियल को पतले लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है, कुछ काजू लिए हैं और कुछ किशमिश ली है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। गैस पर मैंने एक कुकर लिया है, इसमें हम डाल देंगे घी और घी को हम मेल्ट होने देंगे। घी के मेल्ट हो जाने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे दालचीनी, लौंग और इलायची, इसे हम हल्का सा चला लेंगे। साथ ही हम इसमें बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे, नारियल और काजू। किशमिश को हम बाद में डालेंगे क्योंकि किशमिश जल्दी ही सॉफ्ट हो जाती है। लो फ्लेम पर हम इसे इस तरह से चलाते हुए कुछ देर फ्राई कर लेंगे, इससे काजू और नारियल का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और जो हमने मसाले डाले हैं उनका भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। कुछ देर इस तरह से फ्राई कर लेने के बाद इसमें हम डाल देंगे किशमिश, इसे भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे पानी, जितना आपने चावल लिए हैं उसका 2 गुना हमें पानी लेना है। इस रेसिपी में आपका जितना भी मेजरमेंट रहेगा वो चावल के हिसाब से रहेगा। पानी डालने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे गुड़ और इसे हम इस तरह से धीरे धीरे चलाते हुए गुड़ को मेल्ट होने देंगे। जैसे ही पानी में उबाल आएगा गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। गुड़ आसानी से पानी में मेल्ट हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी में उबाल आ गया है और जो गुड़ है वो भी अच्छे से मेल्ट हो गया है पानी में। अब हम इसमें डाल देंगे चावल, जिसे हमने पहले ही भिगोकर छोड़ दिया था। दोस्तों, मैंने यहाँ बासमती चावल का यूज़ किया है, आप इसकी जगह कोई भी चावल का यूज़ कर सकते हैं। चावल को हम गुड़ के पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद हम इसे ढक करके पका लेंगे। ये देखिए, चावल डालने के बाद इसमें पानी में उबाल आ गया है। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और इसे 3 सीटी आने तक पका लेंगे। 3 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था और भाप खत्म होने के लिए इसे कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद मैंने इसे कुकर को खोल लिया है और आप देख सकते हैं चावल एकदम अच्छे से पक कर तैयार हो गए हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इन चावल में से और ये चावल बनकर तैयार हो गए हैं। सर्दियों में ये गर्मा गर्म गुड़ के चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए, मैंने इसे एक प्लेट में सर्व कर लिया है। ये चावल ठंडे होने के बाद भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। दोस्तों, इस तरह से गुड़ के चावल बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही आसानी से मिनटों में बनकर तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।